हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो हॉर्नेट 2.0 सिक्स मंथ ओनरशिप रिव्यू नहीं है। वीडियो एर आगे हमें हॉर्नेट 2.0 प्रॉस एंड क्रॉन्स बनाना है हमारे चैनल, तो जरा देखें ता गए देखते पड़े। पाँचा रिजन क्या हॉर्नेट 2.0 केना उचित, पाँचा रिजन हॉर्नेट 2.0 क्या केना उचित नय, तो से वीडियोगुलो हमें डिटेल्स बनिए रेखे। तो अपनारा जी चान तो गए देखते पड़ें, ऊपर आई कार्डे दिए देव। तो जैक आज वीडियो शुरू करा जा। बाइकटा छ मासे चले 3361 किलोमीटर, हमें एक बार देखिए दीची। ये देखा 3361 किलोमीटर गाड़ीटा छ मासे चले। तो छ मासे हमें सरकम को बड़ो को प्रब्लेम फेस करते हैं। हाँ, प्रथम दिखे एक इंजिन अएल लीकेजर एक प्रब्लेम हो, फार्स्ट सार्विसिंगर पर ही प्रब्लेम सल्व हो गो। एखान इंजिन अएल लीक करत, तो से ही प्रब्लेम फार्स्ट सार्विसिंगर पर ठीक हो गो। दें और जो प्रब्लेम छो से हलो पिछने ब्रेक शूते आवाज़ होत, तो से जो सार्विसिंग गे एक सार्विस गे तो प्रब्लेम तक एन जो फिक्स हो गए। थार्ड सार्विसिंगर पर प्रब्लेम ए देखा जापात, तो से प्रब्लेम सेगल छाड़ा बड़ सड़ो को रकम को समस्या एखो पर्त फेस करते हैं। हमें ये नहीं 800-900 किलोमीटर हमें एक रईड करोम, तो क्षेत्र तेम को प्रब्लेम है। हाँ, प्रब्लेम जो हल्का पिलियन सीटनी हो खूब आनकम्फर्टेबल, तईज एक प्रब्लेम होदारवईज सरकम को प्रब्लेम फेस करते हैं एखो पर्त। और एक प्रश्न जेटा सबार ही अनेक जाना आज गाड़ीटा जेहेतु एयर कुल लिकुईड कुल अएल कुल नय, तो हिटिंग इश्यू जे आद हिट होना बा कतटा हिट हो। गाड़ीटा निये जेटा लंग टूर कर 800-900 किलोमीटर, तक से क्षेत्र में खूब एक मैं एक ना तो गाड़ी चले बाट हमें ब्रेक नहीं गेलोम, क्योंकि से क्षेत्र खूब एक हिट है इवें सीटी राइड तो कर ही थी, तो क्षेत्र खूब एक हिट है ना जेहेतु एयर कुल इंजिन, ता सत्त्वेও गाड़ी खूब बेसि हिट है ना, हिट एकदम ही है ना बोलबो ना, जेटुकू है से मोटामुटी सब गाड़ी है सेटुकू हिट। तो सरकम खूब एक प्रब्लेम फेस करते हमें एखो पर्त हो। एक कथा रखी, ये लकडाउन चलते लोकर गाड़ी बाड़ी बेरोच्छे ना, तो घर घर मध्य गाड़ी पड़े रही है। एक मास गैपे गाड़ी स्टार्ट, एक मास गाड़ी तक चले ही नहीं, तो जो एक मास पर गाड़ी स्टार्ट करा हलो तक गाड़ी सिंगल सेल्फे गाड़ी स्टार्ट हो गो। एम स्टार्टिंगर कोकम को इश्यू है, कोकम को प्रब्लेम फेस करते हैं एक मास गाड़ी बसे रही है तर बैटरि डाउन हो गए अन्यरकम को समस्या व गाड़ी स्टार्ट करार पर बंद हो जाम को समस्या हमें फेस करते हैं। पूरा जे रखम नर्माल गाड़ी स्टार्ट है ठीक सरकम ही स्टार्ट हो गो। एबार चले आसि सार्विसिंगे। एक्चुअलि मेनलि सार्विसिंगे चेन्ज जो हतो इंजिन अएल और तरह से एयर फिल्टार एक बार चेन्ज हो, बाकी एक बार वाश कर दिए और दें तपर एक चेंज कर दिए और जेटा जो है जेनारे चेकअप चेन लूप वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो। तो सार्विसिंग कस्टो खूब बेसि पड़े ना हंडार, एक्चुअली हंडार सार्विसिंग कस्ट व पार्टसर दाम खूब एक बेसि है ना जेनारे, तो सार्विसिंग कस्ट हमारे पड़े अराउंड 500-600 जगह आगे भिडियो तो हमारे बला आए। एबार नेक्स्ट जो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सवार छो दादा माइलेज कत दिखे, हमारा गाड़ी नहीं सीटी राइड करी अफ रोडिंग करी इवें लंगे जा, तो एवारेज जो माइलेज बार करी 42-45 माइलेज हमें बर्तमान पासी 42-45 मध्य एवारेज पासी बर्तमान। इवें प्रथम दिखे फार्स सार्विसिंग आगे मोटामुटी 40 आशेपाशे पेतम, तो सार्विसिंग जो जा सार्विसिंग एक सार्विस कमप्लीट हो तो एकटूक माइलेजा बेसि पासी से बुझते क्योंकुलेट कर देखे। तो यही गाड़ीटार ओवरऑल रिव्यू। जदि एक कथा बोलते हैं छ मासे हमारे सरकम को प्रब्लेम है, तो कथा रखी से कथा ना बोल नय, जख ही गाड़ीटार मैं हॉर्नेट 2.0 कथा आसे तरह पशाशी और दोटो बैकर नाम आसे से अपाची 4V200 और NS200। क्यों अपाची 4V200 व NS200 परचेस ना कर गाड़ी परचेस करा हो, तो एक क्वेश्चन रोज सवार मन चाहले एक आलदा भिडियो बनाते परतम तो भावना ये भिडियोटार मध्य दी लास्टे। एक्चुअली मेन बेपारे सेगमेंटर मध्य तीनटे गाड़ी तीनटे पार्पास यूज कर है। एक्चुअली क्यों हंड्रेड बेचे नहीं क्या कि सार्विसिंग कस्ट खूब कम और बाकी गाड़ीगुलो सार्विसिंग कस्ट एर थे एकटू हम बेसि और हंडार इंजिनियर बेपार आलदा कि मतलब रिलायबल इंजिन अन्य कोनो कम्पानी मन है ना अन्य कोनो कम्पानी थे पे परि, तो एक दुटो कारण रही है और सार्विसिंग कस्ट और सार्विसिंग कस्टर मध्य तो एक मेजर डिफारेंस रही है प्राय डबल सार्विसिंग कस्टर मध्य लेके जाए। और एक जिनिस हलो एर लुक्सटा, क्यों कि हॉर्नेटर हॉर्नेट 2.0 रिसेंट लॉन्च करा एक गाड़ी और अपाची 4V बा NS200 जेहेतु गाड़ीगुलो अनेक दिन आगे बढ़िए, तो नोहटी नोहटी थी नोहटी पूरा अवेलेबल
নয়াটিতে রাস্তায় বেরোলেই একদম যেদিকে তাকাবে নয় অ্যাপাচি 4V আর নয় এনএস 200 একদম পুরো মানে ছড়াছড়ি। আর পুরো নয়াটিতে বর্তমানে যদি হর্নেট 2.0 দেখতে যাই তো হাতে গুনে 2 থেকে 3টে রয়েছে। তো প্রথমে যখন হর্নেট কেনা হয়েছিল অনেকে বলেছিল যে এত ব্যাড রিভিউ রয়েছে, এটা প্রবলেম, ওটা প্রবলেম, সেটা প্রবলেম। তো তখন কেনার পরে মনে হয়েছিল যে সত্যি এত প্রবলেম, কিন্তু তারপর যখন যতদিন মানে যতদিন যাচ্ছে আমরা গাড়িটার উপর তত ইউজ হয়ে যাচ্ছি ততদিন বুঝতে পারছি যে না সব গাড়িতে প্রবলেম হচ্ছে না, হ্যাঁ কিছু কিছু গাড়িতে প্রবলেম হচ্ছে বটে। সেটা নিয়ে আমি একটা আলাদা ভিডিও বানিয়েছিলাম, ইভেন প্রবলেম সলভেরও একটা ভিডিও আমি বানিয়েছিলাম। যারা এখনও দেখেননি আমার চ্যানেলে প্রচুর ভিডিও আছে হর্নেটে, যারা আমার নতুন সাবস্ক্রাইবার তারা গিয়ে অবশ্যই দেখতে পারেন ভিডিওগুলো, যারা আমার পুরনো সাবস্ক্রাইবার তারা তো জানেই হর্নেটের উপর প্রচুর ভিডিও আমি আগেও বানিয়ে রেখেছি। ইভেন ইন ফিউচারও অনেক ভিডিও বানাবো, যেমন কিছু কিছু মডিফিকেশানসের ভিডিও আসছে, কিছু কিছু গ্রাফিক্সের ভিডিও আসতে চলেছে। তো যারা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, খুব তাড়াতাড়ি সেই ভিডিওগুলো আসতে চলেছে। তো যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন বা আমাকে ইনস্টাগ্রামে মেসেজ করতে পারেন। তো দেখা হচ্ছে ঠিক এরকম অন্য একটি ভিডিওতে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টাটা, বাই বাই।